इसी तरह से ही ये मिठाई बनके तैयार होती है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। जितनी अच्छी देखने में लग रही है खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही झटपट चॉकलेटी मिठाई बता रही हूँ जो बच्चों को बड़ों को काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको मैं पार्ले जी बिस्किट से बना के तैयार कर रही हूँ। तो सही सुना आपने, ये चॉकलेटी मिठाई पार्ले जी बिस्किट से ही बन के तैयार होगी। इसको बनाने के लिए मैंने एक बड़ा पैकेट और आधा पैकेट यानी कि डेढ़ पैकेट मैंने लिया है इसको बनाने के लिए। इसको मैं तोड़ दूंगी और मिक्सी के जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए मिक्सी के जार में डालकर मैंने इसको अच्छा खासा फाइन ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह से ही आपको ये ग्राइंड करना था। अब चलिए अगली प्रोसेस पूरी करती हैं। ये मिठाई बहुत झटपट बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। सबसे पहले बारी आती है शुगर सिरप बनाने की। तो मैं शुगर सिरप बना रही हूँ। इसके बनाने के लिए मैंने ये आधा कटोरी चीनी ली है। बिस्किट्स वैसे मीठे होते हैं लेकिन मिठाई है तो मीठी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसीलिए शुगर सिरप सबसे पहले बना के तैयार कर रही हूँ। तो जितना मैंने चीनी ली उतना ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। एक शुगर सिरप आपको एक तार का बनाकर तैयार करना है, तो इसको आप बॉईल करती रहें। और दूसरी तरफ मैं ये पाउडर भून के तैयार करूंगी। इस मिठाई में आपको घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपकी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होगी। तो इसको आपको इसी तरह से ही भून कर तैयार करना है। घी की क्यों ज़रूरत नहीं पड़नी है आगे मैं आपको बताऊँगी। एक साइड मैं शुगर सिरप भी बनाती जा रही हूँ, दूसरी साइड मैं ये पाउडर भी भून के तैयार करती जा रही हूँ। आप ये मत सोचें कि ये पार्ले जी बिस्किट से बनके तैयार हो रही है तो इसमें इसका टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसमें मैंने एक चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको भी साथ में इसी तरह से ही चलाती रहूँगी। जैसे ही आपको लगे कि ये आपने 2 से 3 मिनट तक भून के तैयार किया है, इसमें आप इलायची का पाउडर डाल दें। इसके बाद ही आगे मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या डालना है। तो ये देखिए मैं इसमें मावा ऐड कर रही हूँ। मावा ये नॉर्मली जो आप मलाई से निकला हुआ जो घी रहता है वही मैं ऐड कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें घी ऐड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इस मावा से ही मावे का काम चलेगा और घी का भी। तो मैंने ये पूरी तरह से ही डाल दिया है। इसको भी मैं साथ में अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए इसी तरह से ही आपको चलाते जाना है। अगर आपके पास ये घी ना हो तो आप इस मिठाई में थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकती हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। एक साइड ये शुगर सिरप बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये शुगर सिरप आपको एक तार का बना के तैयार करना है। ये देखिए जब इस तरह से ये तार बनने लगे तो आप समझ जाएं ये शुगर सिरप रेडी हो चुका है। तो मैं इसको एक साइड कर दूँगी और जो दूसरा पैन है वो मैं रख कर आपको दिखाती हूँ। तो बस ये प्रोसेस होने ही वाली है। आपको दिखाई दे रहा होगा इसका कलर काफ़ी अच्छा डार्क हो चुका है। इसी तरह से ही आपको इसको भूनकर तैयार करना है। अब बस सारी प्रोसेस हो चुकी है। तो मैं इसमें 2 चम्मच कोकोआ पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो कोकोआ पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें डेयरी मिल्क ऐड कर सकते हैं, वो ईजिली मार्केट में मिल जाती है। तो बस मैंने इसमें 2 चम्मच कोकोआ पाउडर ऐड किया। इनको अच्छे से मिक्स कर दें आप। और इसके बाद ही सारी प्रोसेस हो चुकी है। कुछ देर तक इसको चलाने के बाद ही मैं इसमें जो शुगर सिरप बना के तैयार किया है वो डाल रही हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है इस मिठाई को बनाना। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे झटपट पार्ले जी तो नॉर्मली सभी जगह रहती हैं, तो इनको निकालें और इतनी अच्छी चॉकलेटी मिठाई बनाकर तैयार करें। मैंने आपको बोला भी है अगर आपके पास मावा ना हो तो आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और बस ये मिठाई बनकर रेडी ही होने वाली है। ये देखिए एक अच्छा खासा आपको डो बना के तैयार करना है। धीरे धीरे करके आप इसको चलाते रहें, आपका डो जो है वो इजीली बनकर तैयार भी हो जाएगा। आपको लगे कि ये थोड़ा कम मीठी है या कुछ है तो आप इस स्टेज पर इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डालें, साबुत चीनी बिल्कुल मत डालें, और थोड़ा सा मलाई डालें जिससे जो चीनी होती है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा नारियल अच्छा और डेसिकेटेड कोकोनट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अब इसको अच्छे से चलाती जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने गैस बंद कर दी थी, अब मैंने फिर से ऑन की। अब बस आप समझ जाएं कि ये मिठाई तैयारी होने वाली है। जैसे ही ये डो बन के रेडी हो चुका है, जैसे ये पैन छोड़ने लगा, अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। तो मैंने गैस की फ्लेम ऑफ करके अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ। ये देखिए जब इस तरह से शेप आने लगे तो आप समझ जाएं ये डो रेडी हो चुका था। अब चलिए अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। तो ये देखिए कितना घी दिखाई दे रहा है इसमें, जबकि बिल्कुल भी घी ऐड नहीं किया। मैंने
ये देखिए, आप कोई भी ट्रे ले सकती हैं, कोई भी प्लेट ले सकती हैं, और उसमें थोड़ा सा ग्रीस करें घी से, और इसके बाद ही जो आपकी मिठाई है उसको अच्छे से सेट कर दें। तो मैं इसको अच्छे से सेट कर दूंगी और मैं इसको सिर्फ 10 मिनट तक ही रख रही हूँ। इसके बाद ही मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ आपको। तो 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको ज़्यादा देर तक सेट भी नहीं किया। आप चाहें तो इसको आधा से 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मैं आपको तुरंत ही निकाल कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, चॉकलेटी मिठाई मिनटों में ही रेडी हो जाती है। घर पर आप इतनी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कट करने से ही आपको पता चल गया होगा कितनी ज़्यादा परफेक्ट मिठाई ये बन के तैयार हुई है। तो जब भी आपका मन हो, बना ही डालिए इस मिठाई को। ये देखिए, जब आप इसको सेट करें तब आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने तो ऊपर से लगाया, मैंने को इसमें कुछ ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं लगाए हैं। आपकी जो मर्जी हो आप वो इसमें लगाएं, और इसको आप कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। बेल आइकन जो दबा दें, जिससे आपको सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।